गिरे दल एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास किया, लेकिन ये महाठगबंधन कभी भी पहले प्रयास किया कि जनता ने कभी स्वीकारा नहीं है, ना ही आगे स्वीकारेंगे, क्योंकि जिसका आधार बगैर किसी नीति के, बगैर किसी नेता के, बगैर किसी नेतृत्व के हो, उसका आधार क्या होगा? ये तो केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, जेल न जाने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहे। एक अंतिम सवाल, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठे जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या कर दी गई पुलिस सुरक्षा में, विपक्ष के सारे नेता एक सुर में बात कर रहे हैं घटना के बाद। यही माफिया वाले देवोबर, जब आम जनमानस पर व्यापारी प्रहार करते थे, मारते थे, दबाकर वसूली करते थे, तो इनमें से आप में से किसी नेता को बोलते हुए नहीं, क्योंकि यही नेता इन्हीं माफिया और डॉन के घरों में जाकर चाय पीते थे, उनकी राजनीति में, उनकी सरकारों में उनको संरक्षण मिलता था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये सब इनके लिए क्यों हुए? ओके, थैंक यू।